आज एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। SJP पूछा गया था, सारे कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये एग्जाम्पल आया था कि चार प्रोसेस दी हुई हैं, अराइवल टाइम दिया हुआ है, बस टाइम दिया हुआ है, मोड आपका प्रीएम्पशन हो और क्राइटेरिया क्या है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट क्राइटेरिया, बस टाइम के अकॉर्डिंग ही देखना। तो ये एग्जाम्पल आ चुका है 8 नंबर में। तो अब ये एक्चुअली ये गेट का भी क्वेश्चन है, पुराने गेट के भी क्वेश्चन में काफ़ी पूछा गया है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में कैसे ग्रैंड चार्ट बनेगा। तो देखिए अराइवल टाइम दिया हुआ है सबका, ठीक है, सबका अराइवल टाइम दिया हुआ है, चार प्रोसेस हैं। तो इन चार प्रोसेस को देखते हैं कि P1 आपके प्रोसेस देखिए 0 टाइम पे आ रहा है और इसका बस टाइम दिया है 5। तो P1 यानी पहले आपका शेड्यूल हो जाएगा, तो P1 आपका शेड्यूल हो गया कि आपका P1 जो है पहले शेड्यूल हो जाएगा। ये आपका P1 आपका लग गया 0 टाइम पे। अब ये 1 सेकंड तक चलेगा, 1 सेकंड तक CPU उसको मिला हुआ है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 सेकंड तक चला। इसके बाद 1 सेकंड में देखिए P2 आपका आ गया। तो 4 में 3 देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, आपका 3 यानी P2 है। तो ऑब्वियसली P2 लग जाएगा। तो ये आपका P2 यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब P2 आपका चलेगा 1 सेकंड तक, फिर इसके बाद आपका P3 आया, P3 आपका 2 सेकंड में देखा है। तो अब यहां पर ये देखते हैं कि 2 सेकंड में P3 आ गया, P2 आपका ऑलरेडी जो है 2 पॉइंट्स बचा, ये 2 इसका बस टाइम बचा। अब P3 आया, P3 2 सेकंड में आ गया रेडी क्यू में, लेकिन अब 3 प्रोसेस आपके रेडी क्यू में, P1 P2 P3। देखिए कौन शेड्यूल होगा, ऑब्वियसली आपका P2 ही लगा रहेगा क्योंकि P2 का शॉर्टेज जॉब कम है, ओके, P2 की जॉब कम है तो P2 ही आपका लगा रहेगा। अब P2 क्या करेगा, 3 सेकंड तक चलेगा, ओके, 3 सेकंड तक चलेगा, फिर देखेंगे 3 सेकंड में कौन सी प्रोसेस आ रही है। देखते हैं कि P4 आपका आ गया और ये कितना बचेगा, ये 1 बचा। तो अब यहाँ पे 1 बचा, ये 1 है, तो अब देखिए दोनों P2 और P4 सेम हो गए। अब कौन सा लगेगा, जॉब के अकॉर्डिंग देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ पे FCFS हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करेंगे, यानी P2 ही आपका लगा रहेगा, P2 ही आपका लगा रहेगा, ओके। जब आपका P2 ही लगा रहेगा तो P2 आपका फिर एक बार कंप्लीट होगा, 4 सेकंड हो गया, यानी अब ये आपका 0 हो गया। जीरो यानी कि P2 आपका खत्म हो गया, ओके, P2 अब आपका क्या हो गया, सीधे 0 हो गया। अब देखते हैं P2 तो चला गया, प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो गया। तो अब आप बात करते हैं P1, P1 आपका 4 है, P4 आपका 1 है, P3 आपका 3। अब कौन सा लगेगा, P1 P3 P4 में आपका P4 लगेगा क्योंकि उसका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कम है,
P4 लगेगा, P4 अपने आप कंप्लीट करेगा क्योंकि 1 सेकेंड है इसका। P5 अब यहां से P4 आपका 0 हो गया। अब कौन बचा? P1 और P3। चार टीम में कौन बड़ा? P3 छोटा है। तो अब आपको क्या लग जाएगा? यहाँ पे P3 आ जाएगा। तो P3 में देखते हैं, P3 आपका 6 सेकंड। P3 आपका 6 सेकंड तक रहा। P3 आपका 6 सेकंड तक रहा, तो हमको इसमें एक चीज ये देखनी है कि P3 अब आपका कितना बचा? 2 बचा। और ये कितना, यानी कि P3 अब हम चाहें तो P3 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो सकता है, तो हम चाहें तो P3 को पूरी तरह कंप्लीट भी कर सकते हैं। अगर इसको आप इस तरह ना करके सीधे, हमारे पास कितना था? 3 था, 5 3 8, हम सीधा जो है P3 को 8 कंप्लीट कर लें, क्योंकि तो P1 तो लगने वाला नहीं है अभी। फिर आप सीधे हमारे को बचता है P1 अब हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि तो सारे प्रोसेस रेडी क्यों में आ चुके हैं, किसी को आना है नहीं। तो 8 4 12, ये आपका 12 हुआ। अब इसी गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग हम बाकी की चीज़ें यहाँ पर निकालेंगे। तो अभी देखिए, इनको मैं हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने करवा दिया आपके पेपर क्वेश्चन में, हमने करवा दिया इसको, जो देखना चाहे देख सकता है। अब तो खैर आप लोगों का एग्ज़ाम का प्रमोट का है इस समय, तो फिर भी अगर नहीं होता किसी कारणवश फिर से चेंज होता है तो आपके काम आ जाएगा ये। तो अब देखते हैं P1 में कंप्लीशन टाइम कितना है, 12 है, तो 12 कर दें। आपका P2 कंप्लीशन टाइम देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 कर दें। P3 कंप्लीशन टाइम कितना है, तो 8 कर दें। P4 कंप्लीशन टाइम कितना है, 5, तो हम इसको 5 कर दें। यानी इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास 12 4, यानी कि कंप्लीशन टाइम आपके पास आ गया पूरा। अब हम टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम तो हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। और इसी तरह हम वेटिंग टाइम भी निकाले, वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम बस बस टाइम, तो 12 5 गए 7 3 में 3 गए 0, 6 में 3 गए 3, 2 में 1 गए 1 आ गए। इसी तरह रिस्पांस टाइम देख ले, तो रिस्पांस टाइम ने बताया था CPU फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो CPU फर्स्ट टाइम P1 कब लगा, 0 में लगा। अराइवल टाइम कितना है, 0 है, यहाँ 0 कर दो। फिर P2 कब लगा, 1 पे लगा। अराइवल टाइम कितना है, 1 है, 0। आपका P3 कब लगा, 5 में। अराइवल टाइम कितना है, 2, तो यहाँ पर आएगा 3। आपका P4 कब लगा, 4th में। अराइवल टाइम कितना है आपका, 3 है, 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ गया। तो देखिए रिस्पॉन्स टाइम भी लिखा आपका, इस तरह करके अगर देखें तो टोटल अगर हम टाइम देखें 12 3 15 15 6 21 21 2 23 23 बटे 4, यानी कि 4 5 20, 5.75 आपका 5.75
इसका टोटल टर्न अराउंड टाइम लगा एवरेज टर्न टाइम। वेटिंग टाइम अगर देखें तो 7 × 10 = 11/4, यानी कि 4 × 8 तो 2.75 आपका वेटिंग टाइम हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो 3 × 1 = 4, 4/4 अर्थात 1, तो 1 आपका रिस्पॉन्स टाइम हो गया। तो देखिए दोनों में कंपेरिजन करो तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में अदर एल्गोरिथम से सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम आता है। देखिए मेन यही पूछता है 2.75 माइक्रोसेकंड जो भी यूनिट होगी उसके अनुसार 2.75 यहाँ पे आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। रिस्पॉन्स टाइम ये आपको 1 देखिए निकल गया है, ठीक है। नहीं रिस्पॉन्स जो है एवरेज 1 सेकेंड का रिस्पॉन्स प्रत्येक प्रोसेस के लिए रहा। अगर इसमें हम कॉन्टेक्स्ट स्विच देखें थोड़ी देर के लिए कि कितने नंबर आप कॉन्टेक्स्ट स्विच हुए, तो देखिए P1 आपका एक बार लगा, इसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट स्विच कर गया, तो स्विच करा तो एक बार तो स्विचिंग यहाँ पर ये हो गई, P2 आया कि P2 लगातार लगा ही रहा, P2 यहाँ से स्विच नहीं किया। फिर देखिए P4 आया, P4 ने भी स्विच नहीं किया, P3 आया इसने भी स्विच नहीं किया, फिर बाद में P1 आया। यानी कि अगर इसमें स्विचिंग टाइम अगर देखा जाए तो P1 सिर्फ एक बार स्विच हुआ, एक बार ये स्विच हुआ है, दोबारा फिर ये रेडी क्यू में नहीं, रनिंग क्यू में नहीं आ पाए जब तक बाकी की प्रोसेस कंप्लीट, बाकी कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, पहले P2 कंप्लीट हुआ फिर P4 कंप्लीट हुआ। हाँ P3 आपका 2 सेकंड में आया है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हुआ, ये लगा ही नहीं। P1 लग के तो यानी एक इसका कॉन्टेक्स्ट स्विच अगर देखा जाए तो एक ही है मोस्टली, एक बार यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, इसके बाद जब भी लगा तो पूरा कंप्लीट हुआ। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का सबसे ज़्यादा रोल होता है आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में। इसकी बात मैंने कल करी, सॉरी एक दिन पहले परसों भी मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट स्विच के बारे में, तो मैंने राउंड रॉबिन आपको मंडे को बताया था, उस लेक्चर में आप देख लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच जो बेसिकली प्रोसेस बार बार तो नहीं हुआ, पर उसमें हर प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच अपने टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग हो जाता है। ओके तो ये था आपका शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का जो वीडियो मैंने अभी आपको बताया, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे आए उसके अकॉर्डिंग हमने इसको देखा आपने। और अगर हम एक बात और करें, अगर FCFS के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे कर सकते हैं नॉर्मली कि मान लीजिए P1 पहले आता है तो हम उसका अराइवल टाइम नहीं देखते हैं। P1 एक बार शुरू हो 5, फिर 3, तो जो प्रोसेस एक बार लग जाती है वो प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच का कोई रोल नहीं होता, प्रीएम्प्ट नहीं होता प्रोसेस। इसी तरह P2 में आपका फिर लगेगा, P3 लगेगा, P4 लगेगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम अगर निकालना चाहें तो कैसे आएगा, 5, यानी 0 से 5, फिर इसके बाद 8, ऐसे लगता है ना 0 से 5, 8, अर्थात यहाँ पे अगर हम देखें P1 P2 P3 P4 यहाँ देखें तो अगर हम थोड़ा निकालना भी चाहें यहाँ 0 से लगेगा, 5 में कंप्लीट होगा, फिर अगला प्रोसेस आपका 8 में कंप्लीट होगा, सॉरी फिर अगली प्रोसेस इसकी 11 में कंप्लीट होगी, अगली प्रोसेस की 12 में कंप्लीट होगी। तो इस तरह करके अगर इन तीनों का निकालें अगर हम, तो P1 फिर P2 फिर P3 फिर P4, सब देखिए आपका अलग अलग बन गया। ये कौन सा है यहाँ पे FCFS यहाँ से। तो यहाँ पर अगर हम देख लें वेटिंग टाइम इसका, केवल इसी पर का वेटिंग टाइम अगर हम निकालना चाहें इसका वेटिंग टाइम कितना होगा और इसका कंप्लीशन टाइम यहाँ से देखो निकाल लें तो वेटिंग टाइम हमारा इजीली निकल आएगा और कि नहीं। तो अगर हम इसका CT निकालना चाहें और इसका हम WT केवल WT देखें, केवल इसका जो मैंने मिनिमम लिख रखा है
तो सी टी यहाँ पे अगर देखें तो पी वन कब कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे फाइव में कंप्लीट हो रहा है, फिर पी टू आपका आठ में कंप्लीट हो रहा है, पी थ्री आपका एलेवन में कंप्लीट हो रहा है, फिर आपका ट्वेल्व में कंप्लीट हो रहा है। और इसका वेटिंग टाइम निकालना चाहें तो वेटिंग टाइम आप देखते हो पहले टी ए टी होना चाहिए, तो वेटिंग टाइम आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। पी वन की वेटिंग टाइम कितना है यहाँ पे अगर देखें तो जीरो है, इसके बाद इसका कितना है फाइव है, फिर पी थ्री कितना है एट है, पी फोर कितना है एलेवन। तो अगर टोटल वेटिंग टाइम अगर हम देखें तो ग्यारह पाँच सोलह, सोलह चार बीस, बीस चार चौबीस, चौबीस आता है और चार छः चौबीस, यानी सिक्स आएगा वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम सिक्स। अब देखिए अगर हम एफ सी एफ इसके अकॉर्डिंग करते हैं, रैपिड टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसमें अगर हम देखें तो इसका वेटिंग टाइम कितना है छः है एवरेज, इसका 2.7 बहुत बड़ा डिफरेंस होता है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट और एफ सी एफ इस में। तो नॉर्मल हमने एक कंपेरिजन बताया है, इस तरह कंपेरिजन इसमें किया जा सकता है। तो ओके, थैंक यू, ये था आज का वीडियो आपका।